नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे बिल्कुल बाजार जैसे सिंघाड़े आप किस तरीके से उबाल सकते हो और उनको किस तरीके से फ्राई कर सकते हो। साथ में हम बहुत ही चटपटी मसालेदार चटनी भी बताएंगे जो कि सिंघाड़े के साथ खाई जाती है। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो ये सिंघाड़े लिए हैं। आप देख सकते हो ये ताज़े सिंघाड़े हैं और थोड़ा जिस तरीके से सिंघाड़े उबाले जाते हैं उस तरीके के सिंघाड़े हम कैसे लें ये हम बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ले लिए सिंघाड़े ही, इनको अच्छे से पानी से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है और जब भी आप उबालें उसके पहले इनको बहुत अच्छे से धुल लें, साफ़ कर लें। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके के सिंघाड़े लेने हैं। तो ये थोड़ा सा कड़े सिंघाड़े हैं, तो ये जब उबाले जाते हैं तो ये खटाखट बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगते हैं बाजार जैसे। तो इनको हम छील लेते हैं। तो इनको थोड़ा छीलने में देखिए दिक्कत हो रही क्योंकि ये कड़े हैं और इसको हम कट करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है सिंघाड़े उबालने के लिए। तो अब हम प्रेशर कुकर लेते हैं, इस प्रेशर कुकर में इन सिंघाड़ों को डाल देते हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें डाला है। तो इतने में ये सिंघाड़े बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो अब हम सेपरेटर को बंद कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया और हाई में ही इसे पकाना है जिससे कि बहुत बढ़िया पकेंगे और इसको हमें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये झटपट पक जाएंगे। तो हमें इनको एक विज़ल आने तक पकाना है। जैसे ही एक विज़ल आएगी तो देखिए हमें इसको बंद कर देना है। तो कुछ सेकंडों के लिए रुकेंगे हम, इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो मैंने बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है अपने आप, हमें इसको ठंडा नहीं करना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते हैं चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 आंवले लेते हैं, 1 हरी मिर्च लेते हैं, लहसुन लेते हैं और इसमें अदरक डालेंगे। इस समय हमारे पास अदरक नहीं है तो मैंने नहीं डाली। तो इन सब को देखिए हम कट कर लेते हैं। लहसुन को हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको छील लिया है। और धनिया को भी हम कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो आंवले हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आजकल आसानी से आंवला मिल रहा है। तो आप चटनी बना कर खा सकते हो, इसका अचार खा सकते हो। तो इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी, चटपटी बनेगी। यदि आप इस तरीके से बनाते हो तो डेली आप इसको बना करके खा सकते हो चटनी। तो अब हम आंवलों को काट लेते हैं। तो इसके लिए जो कट लगे हुए निशान है तो बस इसी से हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से निकाल लेना है, ये बड़ी आसानी से कट जाते हैं। आप चाहें तो यदि आपको काटने में दिक्कत होती है तो कद्दूकस भी कर सकते हो तो भी आसानी से बन जाएंगे, या उबाल करके भी चटनी बना सकते हो, वो भी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो गुठली को हम फेंक देते हैं। तो देखिए दूसरा भी मैंने कुछ इस तरीके से कट लगाया और कट लगाने के बाद इसको भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, गुठली को हम फेंक देंगे। अब चलते हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक चटनी जार लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं आंवला, लहसुन डाल देते हैं, हरी मिर्च डालेंगे, आप अदरक भी इसमें डाल सकते हो, मेरे पास इस समय नहीं है तो मैंने नहीं डाली इसमें। और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा और इसमें डालेंगे हम काला नमक, हम सफ़ेद नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसमें काला नमक डालेंगे और 1/2 नींबू इसमें डाल देते हैं, जो कसैलापन आंवले का होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, चटपटी बनेगी, खट्टी बनेगी। दोस्तों सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में तरह तरह के पराठे बनते हैं, उसमें भी आप इसको खा सकते हो, यम्मी तो है ही, साथ में हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट जैसा बन जाए और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो देखिए हम दोबारा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी अच्छे से ये तैयार हो गई है, आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बढ़िया सी यमी सी चटनी बनकर तैयार है, आप झटपट बना सकते हो और ये चटनी खाने से हमारी आँखें भी बढ़िया रहेंगी और साथ में हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप सर्दियों भर इसको डेली खाएं। तो देखिए इधर प्रेशर कुकर को चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से ये ठंडा हो गया है, अब गर्म बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम एक डलिया में निकाल लेते हैं जिससे कि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। तो हम इसी जगह गैस के ऊपर ही थोड़ा सा इस तरीके से बर्तन रख देते हैं, उसमें डलिया रख करके हम निकाल लेते हैं।
और अब हम इनको क्या करते हैं, इनको अच्छे से हमें धुलना है, क्योंकि देखिए अब इसमें कितना कालापन लगा हुआ है। तो इसको हम अच्छे से पानी से, बहते पानी से धुल लेंगे तो ये ठंडे भी हो जाएंगे, साथ में इनका जो कालापन है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से धुल दिया, साफ़ कर दिया और ये बढ़िया से हो गए हैं। तो इनको अब हम छील लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा भी गर्म नहीं है, तो कुछ इस तरीके से छीलना है। तो जो कांटे होते हैं उनको हमें निकाल देना, बीच में कट लगा करके निकाल लेना। तो इस तरीके से देखिए कितने बढ़िया से ये छील करके तैयार है। तो आप इस तरीके से इनको छील सकते हो, बड़ी आसानी से छिल जाएंगे, क्योंकि उबले हुए हैं, थोड़े से मुलायम हो जाते हैं। तो आप जब भी बनाएं तो थोड़े पके हुए सिंघाड़े लें, ज़्यादा कच्चे ना लें, क्योंकि कच्चे मुलायम ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छे से वो उबल नहीं पाते हैं, वो कच्चे ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इनको निकाल लिया। अब जो ये छिलका बचा हुआ है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, जानवर ना खाए कोई। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ये तैयार हुए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से पानी से धुल लिया एक बार। अब इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम देसी घी लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डालते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। घी गर्म हो गया तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और जीरा डालने के बाद ये सिंघाड़े इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से बनाने में सिंघाड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने पूरे सिंघाड़े डाल दिए, इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आप देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो देखिए ये फ्राई हो गए, तो इनको हम निकाल लेते हैं थोड़े से। तो देखिए मैंने इनको थोड़ा सा निकाल लिया, आधे सिंघाड़े मैंने निकाल लिए, इनको अलग रख देते हैं। अब जो सिंघाड़े हैं तो उसमें हम डाल देते हैं नमक। अब इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से चला देते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, आप पाउडर भी डाल सकते हो। दोबारा इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला हुआ है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये चटनी के साथ कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप इस तरीके से इनको बना सकते हो। दूसरी तरीके की ये हमने जो फ्राई कर लिए, तो ये गुड़ के साथ, हमारे यहाँ गुड़ के साथ खाया जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं गुड़ के साथ, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, हमें पूरी उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो दोस्तों हमारे खटाखट वाले बढ़िया से बाजार जैसे सिंघाड़े बनकर तैयार हैं, शुद्ध साफ तरीके से घर में बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेंगे यदि आप इस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।